गुजरात में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि विधानसभा चुनावों से पहले ही सियासत जोरों पर है, और अभी से नहीं बल्कि कुछ महीनों से गुजरात के लिए कई मुख्य चुनावी पार्टियों की यात्राएं और उनके ऐलान चर्चा में है। जैसे कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यात्रा करके गुजरात की सियासी अग्नि में घी ढालने का काम किया। उन्होंने गुजरात की जनता को दिल्ली और पंजाब मॉडल के सपने दिखाए और कई चीजें फ्री देने की घोषणा कर डाली। भला कांग्रेस क्यों पीछे रहती इन सब चीजों में? उसने भी आम आदमी पार्टी की तरह मुफ्त सुविधाओं का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहाँ से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गुजरात में आने वाले चुनाव की बात नहीं भूलते। इन सब के बीच बीजेपी तो गुजरात की जनता को भूल ही नहीं सकती। करीब 27 साल से गुजरात में एक छत्र राज कर रही बीजेपी इस साल भी जोरदार आस लगाए बैठी है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के मूड में है। लेकिन बीजेपी ने इस बार अपने लिए 182 में से 160 प्लस का टारगेट रखा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को भारी टक्कर दी थी और 77 सीटें हासिल कर ली, लेकिन बीजेपी ने 99 सीटों पर कब्जा करके अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही थी। 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस बार होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2 चरण में गुजरात में चुनाव होंगे। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे भी इसी दिन जारी होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि गुजरात चुनाव में 4.9 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 3,84,000 मतदाता पहली बार अपना वोट दे सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।